डाउन नहीं आने, फार्मर चेंज करेंगे, फार्मर चेंज करेंगे, उसके बाद हम जैसे तीसरा सैंपल दे रहे हैं तो तीन डर करेंगे, उसके बाद सैंपल में हम इसको डालेंगे फिर बढ़िया से क्लिक करके, उसके बाद फिर उसको कर लेंगे, वैसे 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 ही तो होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पीएच खत्म। कैलिब्रेशन एक ही बार करना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। मेन्यू पे आ गए तो कुछ फिर से कर, अभी हम इसी पे जाएंगे, इसी पे भी हमें एंटर दबा दबा के रख पकड़ के रखनी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है उसे जब तक लिख के नहीं आता एंटर सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट यानी ये नंबर 0.969, ठीक है। अभी यहाँ पे भी वही नंबर है, ठीक तो ठीक है। आपके आपके यहाँ जो प्रोब आया होगा उस पर लिखा होगा 1.30 से डबूर नंबर होगा, ठीक है, तो वही नंबर इस पे है क्या तो देखना है, अगर नहीं है तो ये अप डाउन बटन से उसे कम बेसिक कर लें, कम ज्यादा करना है, जो आपका नंबर ले लो उसको लाना है, उसको यहाँ पे लाना है अप डाउन बटन से, ठीक है। उसके बाद हम मेनू बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। सेल कॉन्स्टेंट एंटर हो गए, ये डायरेक्ट मेनू पे आ गए। अभी हम इसी गिनेंगे तो हम एक ही बार क्लिक करेंगे, वन टाइम प्रेस करके नहीं रखना है। अभी कौन सा फार्मर रहेगा हमारा, वही सॉइल है तो वन रहेगा ना, हाँ ठीक है, तो ये वन लिया मैंने, उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक। उसके बाद डिफॉल्ट टेम्परेचर आपको देखना है, 25 से 30 आप ले सकते हो, अगर मोबाइल है तो आप देखो, स्मार्टफोन है तो यहाँ का कितना टेम्परेचर है एलडी वेलडी का वो डालो, नहीं है तो 25 से 30 के बीच में कोई भी डालो, एंटर करो, या अप डाउन से, ये भी अप डाउन से होगा, ठीक है। ये मैंने 25 कर दिया, एंटर मार दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये जो पानी है उसमें आपको ये प्रूफ डालना है, दोनों भी छेद पानी में होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। 0.47 ये हो गई हमारी इसी की बात। अब आप दूसरा इसी जब निकालोगे तो इसको धो लोगे अच्छी तरह, ठीक है, और फिर से RTN करोगे, फार्मर नंबर चेंज करोगे, एंटर करोगे, उसमें डालोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या बोल देंगे इसको, इसी, समझ गए, इसी, कोई दिक्कत, इसी पीएच में कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है, जब तक आप मशीन हैंडल खुद कर लोगे आपके यहाँ जब आएगी तब आपको थोड़ा सा और चलेगा अच्छा। उसके बाद हम देखेंगे OC से लेके बाकी के जितने भी पैरामीटर है सब में एक ही प्रोसीजर है, कौन सी, जीरो सेट करा, जीरो सेट, डिसलॉटर डालो, जीरो सेट करना, उसके बाद ब्लैंक डालो, इंटर करो, सैंपल डालो, इंटर करो, ये प्रोसीजर सब में सेम है, ये OC से स्टार्ट होती है। OC PH और EC में ही प्रोब का काम है, बाकी किसी में भी प्रोब का काम नहीं है, पर इसमें ये क्वेट का काम है, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी OC, ये अप डाउन बटन से आप OC के सामने आ गए, ठीक है, एंटर बटन एक ही बार प्रेस करोगे, ठीक है। बोला फार्मर नंबर कौन सा रहेगा, वन, ये मैंने वन किया, उसके बाद फार्मर नंबर के बाद इंटर कर दिया, उसके बाद इंटर करेंगे बराबर है, उसके बाद वो बोलेगा फूड डी एन वाटर से, तो मैं इसमें डिस्टिल वाटर डालूंगा, डिस्टिल वाटर कितना लेना है, 70-80% इतना ही लेना, ठीक है, ठीक, इसमें तो पड़ी सोचना, ये बस इसको अच्छी तरह से पोसना है, और इस पे जो जी लिखा है ना, देखिए इस पे जी है, ठीक, लिखा जी, लिखा कि नहीं लिखा, देखो ना जी है, ये आपके सामने होना चाहिए मशीन के, मतलब आपके आमने सामने होना चाहिए जी, इधर साइड होना, हाँ ये लो, ठीक है, ये जी आपके सामने होना चाहिए, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया, बढ़िया से पहुंच के डालना, बढ़िया से बड़ी इसलिए पहुंचेगा तो बिल फिर नहीं उधर चला गया ना, हाँ जी उस साइड होना चाहिए, ठीक है, सामने तो बढ़िया से पोच के डाला है, उस पर फिंगरप्रिंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पुट डी एन वाटर सेट 0, मैंने डिस्टिल वाटर डाल दिया, अभी मेरे को 0 सेट करना है, ये नॉब है इससे मैं 0 सेट करूंगा, जहाँ पे 40 है ना, 40 कौन सी साइड है आपकी, नेगेटिव साइड है, इधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में आपको 0 सेट करना है, +10 -10 में फ्लक्चुएट हुआ तो चलेगा, जैसे अभी 0 और -10 में फ्लक्चुएट हो रहा है, ये हमें चलेगा, ठीक है, 10 और 20 नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। गुड डी एन ऑटो सेट 0, मैंने डिजिटल ऑटो डाल दिया, 0 सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है नीचे, गुड ब्लैंक एंड इंटर, तो अब मैं ब्लैंक डाल, ब्लैंक आपको हर इसमें आप बनाते हो, आपने देखा होगा
मैं हर इसमें बोल रहा हूँ कि दो ट्यूब लेना आपको, एक ब्लैंक सॉइल सैंपल के लिए। अच्छा सैंपल अभी इसे निकाल लूंगा। इसके बाद इसको अच्छे से धोना है, ठीक है। अभी मैं नहीं धो रहा हूँ, ये खाली बता रहा हूँ इसलिए, पर आप जब भी करोगे तब आपको धोना है, ठीक है। करेंगे सर हम वाटर सैंपल जो लेंगे और सेकिंग जो करेंगे वो मतलब कोई भी सैंपल का मतलब कि 30 मिनट तक करेंगे कि उससे ज़्यादा करेंगे 30 मिनट इसे जो सैंपल जो लेंगे सर जो सेकिंग करेंगे सर हाँ ये सेकंड में है सर सेकंड में हम कितना देर तक उसको रख सकते हैं कितने देर तक आपको मैनुअल में पता है 30 मिनट्स के लिए करना है 5 मिनट्स के लिए करना है 3 मिनट्स के लिए करना है वो जो भी टाइम बताए उसी हिसाब से करना है बस। और सबका अलग अलग टाइम है अपने हर पैरामीटर का अलग अलग टाइम है हर इसका एक टाइम नहीं ठीक है ठीक है। पुट द सैंपल एंड एंटर ये मैंने सैंपल डाल दिया हम एंटर कर देंगे ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। अभी मेरे को दूसरा सैंपल है तो मैं क्या करूंगा आरटीएन करेंगे ठीक है टू करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे तो वो डायरेक्ट उठेगा पुट द सैंपल। इस बार आपको सैंपल डैंग भी नहीं डालना है और सॉइल डिस्टिल वाटर डाल के सिरप भी नहीं सेट करना है डायरेक्ट सैंपल डालना है और एंटर करना है एंटर इसको धो के दूसरा सैंपल डालेंगे डायरेक्ट वैल्यू लेंगे ठीक है। ये हो गया ये समझा यही है करना आपको सब इसमें डिस्टिल वाटर डालो धीरे सेट करो ब्लैंक डालो एंटर करो उसके बाद सॉइल सैंपल डालो उसके बाद नेक्स्ट सैंपल है तो आरटीएन करो यही हद इसमें ठीक है। ये हो गया ये आता उसके बाद हम उसी से ही नाइट्रोजन निकाल सकते हैं पर उसके लिए कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है। देखिए अभी मैं एंड पे जाऊंगा अप डाउन बटन से इंटर बटन प्रेस करूंगा फार्मर नंबर ओसी किसका निकाला मैंने फार्मर एन का नाइट्रोजन देखना है कितना है तो मैं हार्मोन नंबर एक लूंगा ठीक है एंटर करूंगा उसके बाद वो पूछेगा सॉइल का टाइप कौन सा है ब्राउन है तो अलग में डालेंगे ना काली कलर के ना लाल कलर के अलग ही है ना कलर इसको अलग में डालेंगे ये अप डाउन बटन से अलग में आगे एंटर करते हैं। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन की वैल्यू ठीक है। अभी मुझे दूसरे का देखना है नाइट्रोजन तो मैं क्या करूँगा आरटीएन करूँगा कार्बन नंबर 4 डाल देता हूँ एंटर करूँगा ठीक है। सॉइल का टाइप अलग डाल देता हूँ क्या बोल रहा है क्योंकि मैंने का उसी नहीं निकाला उसी नहीं निकाला इसलिए वो बताएगा फाइल की नहीं यही हो गई उसी की प्रोसीजर और नाइट्रोजन की। इसी तरह आपको सब में जीरो सेट करना है डिस्टिल वाटर डाल के ब्लैंक डाल के एंटर करना है और सॉइल सैंपल डालना है ये सब में सेम है किसी में भी कुछ अलग नहीं है ठीक है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन उसके बाद ब्लैंक टेस्ट करेंगे और ये जो सॉइल से सॉइल टेस्ट करेंगे सर तो कितने सॉइल का हम ये कर सकते हैं सर कितने सॉइल तो कर सकते हैं 20 ये सैंपल आपको जितना फार्मा का उतना बनाना है जितने आपके पास ऐसे सर जो उतने आप बना सकते हो उतने बना सकते हो ठीक है। ये हो गया हमारा मशीन उसके बाद ये है शेकर आपको बोला है 30 मिनट तक शेक करना है तो यहाँ पे आप ये ऐसी ट्यूब डाल दोगे वो सोल्यू सैंपल वगैरह केमिकल डाल लगा देंगे इसमें ऐसे रख देंगे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अब बटन से टाइम दोगे ये देखिए अब मैंने कुछ में बोला था 10 मिनट ये हो गए 10 मिनट ठीक है 5 मिनट बोला तो इसको कम करना ठीक है ये हो गए 5 मिनट उसके बाद ये नीचे के बटन है ये 5 मिनट तक करेगा उसके बाद रुक जाएगा ठीक है 10 मिनट बोला था 10 मिनट के बाद हो गया नेक्स्ट